नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि न्यू जीएसटी या 3B को कैसे फाइल करेंगे जीएसटी पोर्टल पे। चलिए समझेंगे। सबसे पहले आपको रिटर्न डैशबोर्ड पे आना है। रिटर्न डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको यहां से मंथ सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैं अगस्त मंथ सेलेक्ट कर रहा हूं, सर्च पे क्लिक करूंगा। अगस्त के मंथ से ही जीएसटी या 3B के अंदर बदलाव आ गया है। ITC लेने का जो तरीका है वो बदल गया है। तो एक तरह से न्यू जीएसटी या 3B आप फाइल करेंगे तो डिटेल में समझेंगे कैसे फाइल करना है। ठीक है, अगर आपकी निल की है जीएसटी या 3B तो यस कर देंगे, निल की नहीं है तो नो पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे जीएसटी या 3B ओपन हो गया। ठीक है, चलिए इसको डिटेल में समझ लेते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, यहाँ पे जीएसटी या 3B के अंदर एक नई टेबल और ऐड कर दी गई है, टेबल 3.1.1, और इनपुट इस क्रेडिट के अंदर भी ITC लेने का जो तरीका है वो बदला है। ठीक है, यहाँ पे रिवर्सल और रीक्लेम की टेबलों को ऐड कर दिया गया है। रीक्लेम लेंगे और रिवर्सल का जो तरीका है वो भी बदला है, तो डिटेल में बताऊँगा एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं टेबल 3.1 के बारे में। यहाँ पे अपनी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल देते हैं। ठीक है, जो भी आपने सेल करी है, जिसके ऊपर आपका टैक्स पेबल बना है, 3.1 के अंदर उसकी डिटेल आती है। 3.1 में आपकी सभी सेल आती है, जीरो रेटेड, नील रेटेड और एग्जाम सेल को छोड़ के। और ये बेसिकली आपके R1 के बेसिस पे उठा लेता है, ये ऑटोमेटिक ही आता है। अगर आपने R1 फाइल कर दी है तो ऑटोमेटिक उठा लेगा, आपको यहाँ पे डाटा भरने की जरूरत नहीं है। और अगर आप इसकी वैल्यू को भी चेंज करते हैं, जो ऑटो पॉपुलेटेड आ रहा है उसको अगर आप चेंज करते हैं तो आपकी जो फिगरें हैं वो रेड में हो जाएंगी। इसके अलावा आउटवर्ड सप्लाई जीरो रेटेड वाली, जिसके ऊपर आपका टैक्स पेबल बना है, यहाँ देंगे। बेसिकली जीरो रेटेड वाली कौन सी हो गई, अगर आपने सप्लाई करी है विद पेमेंट ऑफ टैक्स, एक्सपोर्ट किया है तो उसकी डिटेल आती है, या फिर आपने SEZ सप्लाई करी है, ठीक है, SEZ को विद पेमेंट ऑफ टैक्स, तो उसकी डिटेल आएगी यहाँ पे। यहाँ पे एग्जाम सप्लाई या नील रेटेड सप्लाई आएगी। अगर आपने विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स किया है तो नील रेटेड हो गया, और कोई एग्जाम सप्लाई तो उसकी डिटेल आप यहाँ दे सकते हैं। RCM वाली सप्लाई आपकी यहाँ आती है, अगर किसी सप्लाई के ऊपर या जो आपने सर्विस ली है उसके ऊपर अगर RCM बनता है, जैसे रेंट के ऊपर RCM बनता है, ठीक है, या फ्रेट एंड कार्टेज लिया है, कंसाइनमेंट नोट लिया है, GTA का RCM है, तो उसकी डिटेल आप यहाँ शो करके उसके RCM की डिटेल को यहाँ भर सकते हैं। ठीक है, नॉन GST आउटवर्ड सप्लाई है तो उसकी डिटेल यहाँ दे सकते हैं। अभी कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद आता है टेबल 3.1.1। देखो यहाँ पे जो डिटेल देनी होती है, सबसे पहले डिटेल है, पहले में देना होता है ऐसी टैक्सेबल सप्लाई की डिटेल जहाँ ई कॉमर्स ऑपरेटर को रिक्वायर्ड है सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के हिसाब से टैक्स पेमेंट करने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली ई कॉमर्स ऑपरेटर इस टेबल को भरेंगे। ठीक है, अगर मैं जैसे कि अमेजोन हूँ या फ्लिपकार्ट हूँ या जोमेटो हूँ, अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू सर्विस दे रहा हूँ, तो मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू जो सर्विस दी मैंने वो सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर फॉल करता है। बेसिकली रेस्टोरेंट सर्विस की बात करता है, जैसे जोमेटो है, अगर मैं जोमेटो हूँ तो मैंने अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू जो सर्विस दी है और मेरा जो टैक्स पेबल बना सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर, उसकी डिटेल मैं यहाँ पर फर्निश करूँगा। और टेबल 3.1.1 के अंदर सेकंड में यहाँ पे उस तरह की सप्लाई की डिटेल देनी होगी, और ये सप्लाई की डिटेल कौन भरेगा, एक रजिस्टर्ड पर्सन भरेगा जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपनी सप्लाई कर रहा है और जिनको रिक्वायर्ड है सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर टैक्स पेमेंट करने की ज़रूरत है। बेसिकली बात करें, जैसे आप जोमेटो के ऊपर सर्विस दे रहे हैं, जोमेटो के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके अपनी रेस्टोरेंट सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, तो जो आपने जितनी भी सप्लाई आपने करी उस प्लेटफॉर्म का यूज़ करके, जितनी भी आपने सेल करी उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी होती है। ये जोमेटो वाले देंगे और ये आप देंगे अगर आप जोमेटो के थ्रू सर्विस दे रहे हैं, अपनी रेस्टोरेंट सर्विस दे रहे हैं या रेस्टोरेंट से रिलेटेड आइटम सप्लाई कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म का यूज़ करके, समझ गए। उसके बाद इसको कन्फर्म कर देंगे। अगला आ जाता है, मेरी इस तरह की कोई भी सर्विस नहीं है या मेरी इस तरह की कोई भी सप्लाई नहीं है, मैंने कन्फर्म कर दिया मुझे भरना ही नहीं है ये। अब आता है टेबल 3.2, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट सप्लाई की डिटेल देनी होती है। अगर आपकी कोई IGST सेल है और वो किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को आपने किया है, B2C सेल है और IGST सेल है, तो आपको प्लेस वाइज डिटेल देनी होती है। यहाँ पे वाइफरकेशन देना होता है कि कौन कौन से स्टेट में आपने अपनी IGST सेल करी है। हालांकि वो टेबल 3.1 में इंक्लूड होता है, मेरी यहाँ पे सारी सप्लाई होती है, B2B भी है, B2C भी है, ठीक है। तो B2C में जो IGST वाली सप्लाई है उसकी डिटेल आपको 3.2 में भरनी होती है, उसकी डिटेल अलग देंगे कि कौन कौन से स्टेट में, या फिर अगर आपने कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन को सप्लाई करी है तो उसकी डिटेल यहाँ देंगे,
अगर आपने UIN होल्डर को सप्लाई करी है तो उसकी डिटेल यहाँ देंगे। तो इस तरह की कोई भी डिटेल हमारी नहीं है, कन्फर्म पे क्लिक कर दिया, नीचे आ जाएंगे। आगे देना होता है एलिजिबल ITC की डिटेल, ठीक है। यहाँ पे इनपुट क्रेडिट से रिलेटेड डिटेल जाती है जो भी आपकी एलिजिबल ITC है। तो सबसे पहला आता है टेबल 4K A के अंदर, यहाँ पे अगर आपका ITC इम्पोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर है उसकी डिटेल देंगे, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस के ऊपर है तो उसकी डिटेल देंगे। यहाँ पे RCM वाला आता है, अगर आपने RCM के ऊपर कोई लाइबिलिटी पे करी है तो उसका इनपुट भी आप क्लेम कर सकते हैं। तो उसका जो इनपुट होता है यहाँ पे आप लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको RCM पे करना होता है। पे कहाँ करेंगे, टेबल 3.1 के अंदर पे करते हैं। ये देख सकते हैं टेबल 3.1 के D में यहाँ पे RCM की लाइबिलिटी को पे करना होता है, ठीक है। पहले वहाँ पे लाइबिलिटी पे करेंगे, फिर उसके बाद उसका इनपुट एस क्रेडिट आप यहाँ क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो ITC आता है इन्वर्ट सप्लाई से रिलेटेड आता है, और ये आता है ऑल अदर ITC, ये 2B से ऑटोमेटिक उठ के आता है, ठीक है। ये GST 2B से जो मंथली बेसिस पे आपकी जनरेट होती है 14 तारीख तक, वहाँ से उठ के आ जाता है। तो 3B जो फाइलिंग करें आप 14 के बाद ही फाइल करें, क्योंकि जब तक आपका ITC नहीं आएगा तब तक अगर आप फाइल करते हैं तो आपको टैक्स भरना पड़ सकता है, ठीक है। मैनुअल ITC आप ले नहीं सकते इसके अंदर, जो 2B के अंदर ITC होगा वही लेंगे। ये देखो सर्च पे क्लिक करके यहाँ पे GST 2B आपको ऑटो ड्राफ्ट दिखता है, व्यू पे क्लिक करेंगे। व्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इनवॉइस वाइज डिटेल मिल जाएगी कि कौन कौन से इनवॉइस का ITC आपका जो है 3B के अंदर आ रहा है, ठीक है दोस्तों। इसमें जो भी इनवॉइस आपका आ रहा होगा उसको रिकनसाइल करने की ज़रूरत है, ठीक है। रिकनसिलेशन नहीं बता रहा मैं इस वीडियो में, रिकनसिलेशन के लिए आप मेरी पुरानी वीडियो को देख सकते हैं जहाँ पे मैंने बताया हुआ कि कैसे आप रिकनसिलेशन करेंगे GST 2B का। तो जो भी इनवॉइस आया आपको सबसे पहले चेक करना होगा कि एक्चुअल में क्या आपके पास वो इनवॉइस है, क्या आपके बुक्स में वो इनवॉइस है। रिकनसाइल करने के बाद ही आप उसका इनपुट लें। अगर कोई ऐसा इनपुट है जो कि सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के अंदर है, ब्लॉक क्रेडिट में है, तो उसका आपको यहाँ पर रिवर्सल में दिखाना होगा। ये देखते हैं, यहाँ पर आपको रिवर्सल दिखाना होता है रूल 38 42 43 और सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 का रिवर्सल। और कोई अदर रिवर्सल है जैसे क्रेडिट नोट का रिवर्सल है तो उसकी रिपोर्टिंग आप यहाँ पे करेंगे, ये ऑटोमेटिक ये भी 2B के बेसिस पे आ जाता है। इसके अलावा कोई रिवर्सल है तो उसकी रिपोर्टिंग आप यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। ये एक नया बदलाव है कि सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 का भी आप रिवर्सल यहाँ पे करेंगे, ये पहले यहाँ नहीं था। उसके बाद अदर डिटेल्स के अंदर आपको क्या दिखेगा, अगर कोई आपने ITC जो रिवर्स किया है यहाँ पे, ठीक है, टेबल 4K B के सेकंड में उसका कोई रीक्लेम है तो आप यहाँ पे रीक्लेम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान के चलो कि कोई टाइम बार्ड के अंदर था, कोई ITC ऐसा था जो 180 दिन के पीरियड के अंदर था, जिसका आप इनपुट आपने सप्लायर की पेमेंट 180 दिन के अंदर नहीं करी तो उसका ITC आपने रिवर्स किया, फिर बाद में पेमेंट करने के बाद रीक्लेम किया, तो जो भी आपने रीक्लेम किया, जो यहाँ पे आपने रिवर्स रीक्लेम किया टेबल 4K 5 के अंदर, उसका बाइफरकेशन आपको यहाँ देना होता है। या फिर ऐसा ITC जिसका इनवॉइस आपके पास नहीं आया फिजिकली, क्योंकि आपके पास होना चाहिए गुड्स या फिजिकली डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, इनवॉइस नहीं आया ना गुड्स आया, गुड्स की सप्लाई भी नहीं हुई, लेकिन 2B में उठ के आ गया, वो सामने वाले ने रिटर्न फाइल कर दी और 2B में उसका ITC आ गया, तो अगर उस तरह का ITC आपने क्लेम कर लिया, फिर बाद में अगर आपने उसका रिवर्सल किया और फिर दोबारा से क्लेम किया, तो जब क्लेम करेंगे तो यहाँ पे डालेंगे, लेकिन उसका वाइफरकेशन आपको यहाँ देना पड़ेगा कि हाँ ये जो मैंने क्लेम किया इसमें ऐसा ITC है जिसका गुड्स जब ITC आया था उस समय रिसीव नहीं हुआ था, ना डॉक्यूमेंट रिसीव हुए थे, बाद में जब रिसीव हुआ तो मैंने उसको क्लेम किया, तो उसका वाइफरकेशन यहाँ देना होता है। यहाँ पे उस तरह के ITC की डिटेल देनी होती है जो कि इनएलिजिबल है, जैसे कि कोई अगर टाइम बार्ड में है, टाइम लिमिट खत्म हो गई ITC लेने की और उसका वो वाला ITC है, तो वो इनएलिजिबल ITC होगा, उसकी रिपोर्टिंग आप यहाँ पे करेंगे, ठीक है। या प्लेस ऑफ सप्लाई की वजह से रिस्ट्रिक्टेड है तो उसकी रिपोर्टिंग आप यहाँ पे करेंगे। अभी कन्फर्म पे क्लिक कर दिया, उसके बाद आगे आएंगे, कोई अगर आपकी एग्जाम सप्लाई नेल रिलेटेड सप्लाई है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे देंगे, ठीक है। कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन से अगर आपने सप्लाई ली है, एग्जाम्ड है या नेल रिलेटेड है, उसकी डिटेल यहाँ, और नॉन GST सप्लाई है तो उसकी डिटेल यहाँ। इसके अलावा यहाँ पे आपकी लेट फीस और इंटरेस्ट को कैलकुलेट करता है, ये भी अभी पोर्टल पे ऑटोमेटिक हो गया है, रिटर्न लेट फाइल करेंगे तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा लेट फीस और इंटरेस्ट भी। सेव GST या 3B पे क्लिक करेंगे, यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट पे जाएंगे। इस तरह से आपको डिटेल दिख जाएगी, जो भी कैश लेजर में बैलेंस होगा यहाँ दिखेगा, आप ITC के थ्रू पे करेंगे तो उसकी डिटेल आपको यहाँ दिख जाएगी, ये सब ऑटोमेटिक होता है, ठीक है, इसमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कैश की रिक्वायरमेंट होगी तो यहाँ से देख सकते हैं, एडिशनल कैश की रिक्वायरमेंट बता देगा, ठीक है, मतलब कि अगर आपको चालान क्रिएट करके जमा कराना पड़ेगा तो ये बता देगा कि हाँ इतना
कैश की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कैश जितना रिक्वायरमेंट होगा उतने का ही चालान क्रिएट होगा, उतने ही कैश लेजर में अमाउंट जमा होगा। ठीक है, तो हमारे पास रिक्वायरमेंट है नहीं, मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे और यस कर देंगे, ऑफसेट कर देगा लाइबिलिटी को। ठीक है, अभी सीधा प्रोसीड टू फाइल पे जाना है और यहाँ पे टिक करना है वेरिफिकेशन पे और ऑथराइज सिग्नेचर को सेलेक्ट करना है और यहाँ से हम इसको फाइल करेंगे ईवीसी का यूज़ करके। ईवीसी में ओटीपी आता है, डिजिटल सिग्नेचर है तो डिजिटल सिग्नेचर लगा के फाइल कर सकते हैं। ठीक है, ईवीसी ले लिया और यहाँ पे एक और बता देता हूँ मैं आपको बात। देखो, अगर टैक्स लाइबिलिटी का आपका ब्रेकअप है, मतलब जो अभी आपने टैक्स लाइबिलिटी डिक्लेयर करी है इसमें, और ये प्रीवियस मंथ से रिलेटेड इसके अंदर टैक्स लाइबिलिटी है, जैसे कि जुलाई से रिलेटेड है या फिर अप्रैल से रिलेटेड है, तो उसका आप ब्रेकअप दे सकते हैं। ठीक है, जो भी आपने लाइबिलिटी डिक्लेयर करी है अगस्त में 3B के अंदर, तो इस तरह की कोई भी लाइबिलिटी मेरी नहीं है। अभी क्या करना है, सिंपल, हम इसको सेलेक्ट कर लिया हमने, अभी सेव पे क्लिक करेंगे और मैं यहाँ पे ईवीसी के थ्रू इसको फाइल कर रहा हूँ, मतलब जो ओटीपी आएगा उस ओटीपी को यहाँ लिखूँगा, फिर रिटर्न को फाइल कर देंगे। चलिए ओटीपी लिख लेते हैं, ये ओटीपी लिख लिया हमने, अभी वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। ओटीपी शायद एक्सपायर हो गया है, अभी क्या करेंगे, दोबारा से क्लिक करते हैं ओटीपी पे, फिर से ओटीपी आया होगा। ये ओटीपी लिख लिया, अभी वेरीफाई करेंगे, ये देख सकते हैं रिटर्न हमारी सक्सेसफुली फाइल हो गई। ओके पे क्लिक करेंगे, हमारी रिटर्न फाइल हो चुकी है। ऐसे आपको जीएसटी पोर्टल पे फाइल करनी है। इसका स्टेटस चेक करना है, सर्विस में जाके रिटर्न में ट्रैक रिटर्न स्टेटस पे जाके देख सकते हैं। ये ARN नंबर है, ये 3B फाइल हो गई है, ये डेट ऑफ फाइलिंग है, आज की डेट में हमने फाइल कर दिया इसको। ठीक है, तो ऐसे जीएसटी पोर्टल पे न्यू जीएसटी 3B को फाइल करेंगे। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।